दिल्ली मेट्रो से आए हो तो वहाँ पे साफ सफाई है? हाँ बिल्कुल क्लीन था। ठीक है, अभी तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा। उतनी तो नहीं है पर ठीक है, जो भी है कुछ थोड़ा बहुत ही फर्क है, मैं ज्यादा तो नहीं। कोई चीज तो मैंने देखी नहीं जो कुछ कोरोना वायरस के लिए किया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। भारत में इसके 60 मामले देखने को मिले हैं और हाल ही में 2 मामले दिल्ली में सामने आए हैं। दिल्ली मेट्रो ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया है। इस वक्त हम बाराखंबा मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि वो दिल्ली मेट्रो में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। आप अभी दिल्ली मेट्रो में सफ़र करके आई हैं और कोरोना वायरस के चलते दिल्ली मेट्रो को साफ सफाई ज़्यादा की जा रही है, आप कितना महसूस कर रहे हैं यहाँ पे सुरक्षित? ठीक है, अभी तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा। मास्क वगैरह पहन रहे तो उतना है कि लोग अपना प्रिकॉशंस खुद ही ले रहे हैं, और इवन दिल्ली भी कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट भी कर रही है, काफ़ी सारे कैंपनिंग एंड ऑल, तो सही है। सर, आपने अभी दिल्ली मेट्रो में सफ़र किया है, क्या आपको साफ़ सफाई लग रही है अंदर? उतनी तो नहीं है पर ठीक है, जो भी है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि दिल्ली मेट्रो को साफ रखा जाए, तो आपको क्या लगता है, आप दिल्ली मेट्रो में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कोरोना वायरस से? कुछ कह नहीं सकते, बोला तो गया है कि डिसइंफेक्ट हो रहा है, बट डोंट नो क्या है। तो आप इस वायरस से बचने के लिए क्या एहतियात बरत रहे हैं? सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जितना हो सके अवॉइड करें क्राउड में जाने के लिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, हाइजीन, हाथ वाथ धोना और बाकी चीज़ें जो कॉमन चीज़ें होती हैं। गैदरिंग पर मना कर रहा है सरकार ने, गैदरिंग जहाँ हो वहाँ नहीं जाइए। मैडम कितने दिन तक घर बैठ सकते हैं, कितने दिन चलेगा कुछ नहीं पता, फिर भी मोस्टली अवॉइड कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी होता है तभी निकलते। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या कर रहे हैं सर? एक तो थोड़ी थोड़ी देर बाद में साबुन से हाथ धो रहे हैं, बाकी किसी से टच नहीं कर रहे, दूर से ही बात कर रहे हैं। मास्क नहीं लगाया आपने? नहीं, मास्क नहीं लगाया। मास्क के लिए तो ये है कि जिसको ये अफेक्टेड है वही लगाए, दूसरे को तो ज़रूरत ही नहीं है। तो जो दिल्ली मेट्रो से आए हैं आप अभी? जी। सर, जो ये कोरोना वायरस है जिसके चलते गैदरिंग के लिए मना किया हुआ है और अब WHO ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है, तो आप सर दिल्ली मेट्रो में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? देखिए, मुझे इतना तो नहीं लगता कि महामारी का रूप है कोरोना वायरस, बाकी जब हमें आना जाना पड़ेगा तो उसका कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं कि हम जल्दी से कहीं और चले जाएं या किसी और माध्यम से आ जाएं, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बाकी WHO ने जो कहा है, गाइडलाइन जो भी दी हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा, अभी उसकी जा रही जानकारियाँ तो नहीं है। अभी आपने दिल्ली मेट्रो में सफ़र किया है, क्या आपको कोरोना वायरस से यहाँ पर साफ़ सफाई लग रही है? सफाई तो बहुत था, बाकी बाद का बीमारी का कोई पता नहीं। आप सुरक्षित महसूस कर रहे हो दिल्ली मेट्रो को? सुरक्षित था। तो अभी आप जैसे कि दिल्ली मेट्रो से आए हो तो वहाँ पे साफ़ सफाई है? हाँ बिल्कुल क्लीन था, पूरी तरह प्रोटेक्शन है, कोई भी गंदगी नहीं है वहाँ पे। तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है और WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, क्या लगता है दिल्ली मेट्रो सुरक्षित है? नहीं, इंडिया में तो कोई एक खास यानी रेस्पॉन्स इसका ठीक है, इंडिया में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली मेट्रो को भी निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह से साफ़ सफाई रखें, रेलिंग है, एक्सेलेटर है, सब साफ़ तो रखें, भी रखनी चाहिए साफ़ सफाई तो। अब आपको तो मेंटेन होना चाहिए वैसे भी, लेकिन कोई ज़्यादा इसका इफेक्ट है नहीं इंडिया में, ये जो भी है इसका मेरे ख्याल से 60+ कोई इफेक्ट करता है। सर, दिल्ली मेट्रो में आप सफ़र करके आए हैं कोरोना वायरस के चलते, आप इसमें सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित अब इसमें क्या कह सकते हैं, पहली चीज़ तो ये कि हम जो भी हैंडल है या जो भी पकड़ने का रॉड लगा हुआ है, हमको ये नहीं पता कि वो कितना क्लीन है कितना साफ, बट अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए हमको पकड़ना ही पड़ता है, और वो तो मुझे नहीं पता कि मेट्रो उसमें कितनी साफ़ सफाई कर रही है, बट जैसा मैंने पब्लिक को देखा है कि वो मास्क लगाए हुए हैं, मैं भी मास्क ढूंढ रहा हूँ, आसपास एरिया मुझे नहीं मिल रहा। सर, जो इसे कोरोना वायरस चल रहा है तो दिल्ली मेट्रो को आप कितना सुरक्षित मानते हो? गैदरिंग के लिए मना करा हुआ है, एडवाइजरी जारी है। इट्स अ मैटर ऑफ कंपल्शन दैट यू हैव टू ट्रैवल टू वर्क, रेस्ट व्हाटएवर प्रिकॉशंस यू कैन टेक यू मस्ट टेक। तो सर, आप मास्क वगैरह नहीं लगाया आपने?
मास्क नहीं लगाया. नीड नहीं है. नो क्वेश्चन इज इफ यू आर हाइजीनिकली यू आर ओके. आई डोंट थिंक यू हैव टू वट एवर एडवाइजरी इज देयर यू नीड टू फॉलो दैट. कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स. सर दिल्ली मेट्रो में भी सफर करके आए हैं जी मैम. सर कोरोना वायरस के चलते कितनी साफ सफाई लग रही है? कुछ थोड़ा बहुत ही फर्क है मैम, ज़्यादा तो नहीं. आप सुरक्षित महसूस करते हैं इसमें? हाँ जी सुरक्षित महसूस करते हैं इसमें. कोरोना वायरस से? हाँ उससे भी, क्योंकि इंडिया है, यहाँ तो हर एक चीज़ की दवाई है, सोल्यूशन है. सर आपने दिल्ली मेट्रो में अभी सफ़र किया है, कोरोना वायरस से आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हो मेट्रो में? मेट्रो में कोई ऐसी कोई चीज़ तो मैंने देखी नहीं जो कुछ कोरोना वायरस के लिए किया जा रहा है, अदरवाइज़ तो लुक्स एवरीथिंग ओके. साफ़ सफाई कैसी अंदर? मेट्रो तो हमेशा से साफ सफाई रही है, उसमें कभी दिक्कत नहीं आई है, बट कोई एक्स्ट्रा कोई एफर्ट हो रहा है वो मैंने नहीं देखा. आप इस वायरस से बचने के लिए क्या सावधानियां बरत रहे हैं? यही है कि कॉन्टैक्ट्स लोगों से कम रखा जाए, भीड़ भाड़ का इलाका जो उसको अवॉइड किया जाए. तो यहाँ पर हमने लोगों से बात की, ये सभी लोग दिल्ली मेट्रो में अभी सफ़र करके आए हैं. इन लोगों का यही कहना है कि वो दिल्ली मेट्रो में कोरोना वायरस से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सावधानी के लिए ये लोग जो है मास्क यूज़ कर रहे हैं, साथ ही सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं. कैमरामैन विवेक के साथ मैं करुणा ठाकुर, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी.